तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है नवीन और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करने वाले हैं और यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आज इसमें हम सॉर्ट आउट करेंगे, इसमें हम उस पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं स्नैपमेंट के ऊपर और पीसी बिल्ड के ऊपर। तो जो भी ज़्यादातर आपने कमेंट किया है उसके सभी के आंसर मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलो पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं और पहले चलते हैं स्नैपमेंट की तरफ, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। मैंने आपके सारे कमेंट देखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो पहला कमेंट आपको बताता हूँ जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नए यूज़र्स होते हैं, नए यूज़र को एक प्रॉब्लम आता है कि उनका जो अकाउंट तो क्रिएट हो रहा है लेकिन आगे वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो लिमिट भी आ गई है या कई बार लिमिट भी नहीं आती है और आगे फिर इशू आ रहा है, तो इस टाइप के केसेस में क्या होता है। दोस्तों जब स्नैपमेंट पर आप परचेज करने के लिए आगे प्रोसेस करते हैं और वहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका क्रेडिट स्कोर पहले चेक करता है। अगर मान लीजिए आप लाइफ में फर्स्ट टाइम अभी स्नैपमेंट पे अभी आपने अकाउंट बनाया है, इससे पहले कोई लोन ही नहीं लिया था, तो वहाँ पर वो 3 महीने की स्टेटमेंट आपसे मांगता है और वो प्रूफ के लिए होता है ताकि फिर आपको वो क्रेडिट आके प्रोवाइड कर सके। और 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट वो होता है जैसे कि आपने जो मेंटेन क्या किया है, पर मंथ आपके बैंक में कितना ट्रांजेक्शन आता जाता रहता है वो आपको दिखाना होता है, वहाँ पर आपको अपने बैंक का वो स्टेटमेंट आपको शो करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर दोस्तों आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने स्नैपमेंट पे अकाउंट तो बना लिया लेकिन फिर उसमें आपको लिमिट नहीं मिल रही है या लिमिट मिलने के बाद जब परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस टाइप के केसेस में आपको 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट आपको शेयर करनी पड़ती है या फिर आप कुछ दिन का वेट कीजिए, क्योंकि फिर वो आपके जो आपका जो पैन कार्ड होता है, आपका जो ट्रांजेक्शन होता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक किया जाता है, तो उसके बाद ही फिर आपको आगे के लिए प्रोसेस किया जाएगा। इस टाइप का जो अगर इशू आता है तो उसके लिए पहले कुछ दिन के लिए वेट कर लीजिए, देन आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप परचेज कर सकते हैं। ये तो था पहला जो इशू आ रहा था उसमें। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि अगर आपने कहीं पर परचेज किया, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर कर दिया, अब जो ईएमआई है वो तो आपकी बन चुकी है लेकिन अब आपका जो ऑर्डर था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उस केसेस में अमेजोन ने तो आपको रिफंड कर दिया पर ईएमआई का होगा क्या। दोस्तों अगर आपने आज कोई ऑर्डर प्लेस किया, आज ये आपको कोई प्रॉब्लम आया, अब आपको ही पता है कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद 4 से 5 दिन का समय लगता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आपके घर पे डिलीवर होने में, उस केसेस में क्या होता है, स्नैपमेंट का काम खत्म हो जाता है। इस टाइप के केसेस में स्नैपमेंट ने अपना काम कर दिया है, ईएमआई बन गई है, अब आपको जो भी डील करनी है वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं वहाँ से कीजिए और इसका अब आपको ईएमआई पे करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। लेकिन किसी केसेस में जैसे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने ऑर्डर आपका जो था वो आपका रिटर्न हो गया, आपको रिफंड आ गया, अब आप स्नैपमेंट पर क्या करें, उस केसेस में आप जो रिटर्न का आपको पूरा प्रूफ आता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जहाँ से भी आपने किया है वो आप उन्हें मेल कर दीजिए, मेल आईडी मैंने आपको नीचे शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर पर कॉल करके बताइए कि ये आपका रिफंड कूपन है या ये आपका रिफंड स्टेटस है, आपको रिफंड मिल चुका है, आपका जो डिलीवर ऑर्डर था उसमें प्रॉब्लम आ गया है, अब आपको ये कैंसिल करना है, तो उस केसेस में भी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें आपको आप ये पूछना चाह रहे थे कि इस केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता है स्नैपमेंट की तरफ से, तो आप इसके लिए पहले उन्हें कॉल करके बताइएगा, उन्हें प्रूफ दिखाइएगा कि अमेज़ॉन की तरफ से रिफंड हो गया है, वहाँ पर आपको उसमें हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप में, अगर स्नैपमेंट से आपने कोई ऑर्डर किया, आपको ऑर्डर आ नहीं रहा है बहुत दिनों तक, उसके बाद फिर क्या होगा, तो इस केसेस में दोस्तों आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, ईमेल आप कीजिए या फिर कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, वही आपको बता पाएंगे अगर आप स्नैपमेंट की एप्लीकेशन से करते हैं तब, क्योंकि स्नैपमेंट की एप्लीकेशन पे कहीं पर भी ऑर्डर डिलीवरी का कंप्लीट स्टेटस नहीं आता है कि आपका अभी ऑर्डर कहाँ पर है और कहाँ पहुँचेगा और कितने टाइम लगेगा, इसमें कुछ नहीं पता चलता है, तो ये जानकारी केवल स्नैपमेंट ही आपको बता पाएंगे। इसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि अगर आपने स्नैपमेंट से किसी भी टाइप का कोई ऑर्डर किया और वो ऑर्डर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, अब आपका ईएमआई तो बन गया, अब आपने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया, तो वो जो डाउन पेमेंट किया गया था उसका क्या होना है। इस टाइप के केसेस में दोस्तों आपका अगर ऑर्डर किसी भी रीज़न से स्नैपमेंट से कैंसिल हो गया तो वहाँ पर भी आपका जो अमाउंट आपने डाउन पेमेंट दिया था जैसे 1000, 2000, 500 रुपये, 400 रुपये, वो सारा आपके सेम अकाउंट में वापस रिफंड हो जाता है जहाँ से भी आपने वो पे किया था, तो उसी बैंक अकाउंट में वो सेम रिटर्न कर दिया जाएगा और बाकी जो आपका ईएमआई जो आपका वहाँ पर शो करेगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आपको जानकारी मिल पाएगी।
बात कर लेते हैं, अगर स्नैप इंड पे लोन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो उसमें क्या होगा। दोस्तों अगर पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन आपको दिया जाता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो वहाँ पर फिर आपको स्नैप इंड के द्वारा खुद ही आपको मैसेज किया जाता है या कॉल करके आपसे बात होंगी और फिर आपको वो जो पर्सनल लोन है आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये भी विद इन 24 to 48 hours के अंदर आपको ट्रांसफर होता है, आपके जो भी अकाउंट आप बताएंगे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए आप कस्टमर केयर से एक बार बात कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है तो, जो भी आपकी लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देंगे। इसी बिल्ड की तरफ अगर कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो आपका तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों आपके मल्टीपल क्वायरीज आ रही हैं तो मैं आज उनका सभी का एक आंसर आपको जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैंने अभी कुछ 400 रुपये के सिस्टम के ऊपर बात की थी, यहाँ पर एक लैपटॉप भी आपको जानकारी शेयर की थी, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की सीपीयू के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर। तो वो मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ। कुछ भाइयों का जो क्वेश्चन आया था वो ये आया कि 400 रुपये में जो पीसी है ये नहीं हो पा सकता है, ये फेक भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप कभी भी पुराने कंप्यूटर कभी खरीदते हैं तो पुराने कंप्यूटर पहले आप ये देखिए मिलते कहाँ कहाँ पर है, तो आपको या तो ओएलएक्स मिल जाएंगे, दूसरा आपको या पर आप कबाड़ी वबाड़ी में कहीं पर आप आसपास में दुकान है वहाँ मिल जाते हैं, या फिर आप चोर बाजार चले जाइए वहाँ मिल जाते हैं, या फिर कोई सेकंड हैंड बेच रहा हो वहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई आपकी जानकार शॉप है वहाँ पर बहुत पुराना सिस्टम कोई पड़ा है या पुराने टाइप का पड़ा है जो आज यूज़ नहीं होते तो वो मिल जाते हैं। तो जो पुराने का मतलब ही होता है सस्ता लेना। अब अगर आप पुराने सिस्टम को भी 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार में खरीदेंगे तो फिर पुराने और नए में अंतर क्या रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो 400 रुपये का सिस्टम यहाँ पर परचेज किया था ये भी कबाड़ी शॉप से ही उठाया हुआ था, वहाँ पर वो मिल जाते हैं। आप भी अपने आसपास के किसी कबाड़ी शॉप में देखिएगा, कुछ ना कुछ कंप्यूटर का रिलेटेड अगर वो करते होंगे तो वहाँ मिल जाएगा, हार्ड डिस्क मिल जाती है, रैम मिल जाती है, बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है, जो जानकारी है वो करेक्ट है, वहाँ से उठाइए। अगर कोई मदरबोर्ड चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो 150-200 रुपये रिपेयर भी होकर तब भी चली जाएगा। तो मोस्टली जो केसेस इस टाइप के होते हैं उसमें सिस्टम आपके रन हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप के सिस्टम भी आप परचेस कर सकते हैं, पर ये बाय चांस लकी बात है। अगर आपके आसपास में ऐसा कोई कबाड़ी वाला है जहाँ ज़्यादातर इस टाइप का होता है तो वहाँ तो आपको इजीली मिल जाएगा। बात करते हैं सेकंड, एक प्रॉब्लम और है। अभी हमने एक लैपटॉप के ऊपर बात की थी, जो हमने एक कमर्शियल लैपटॉप था लेनोवो की तरफ से X200S सीरीज़ का, उसमें एक भाई ने यहाँ पर रिप्लाई किया कि उनका कहना था कि ये जो सिस्टम है ये गलत है, इसको लेना नहीं चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ये किसी काम का नहीं है और आगे वर्क नहीं करेगा। दोस्तों मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि ये जो सिस्टम है ना ये 4000 रुपये का है, ये 40000 का सिस्टम नहीं है। 4000 रुपये के सिस्टम में अगर आप सेकंड हैंड परचेज कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती है जिसकी अपनी कैपेसिटी है। मैंने उसमें आपको गेम प्ले करके बताया था, फिल्मोरा रन करके बताया था। बाकी सारे बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई इसके अंदर डेवलपिंग वाले काम नहीं होंगे, यार ये डेवलपिंग के लिए होते ही नहीं है, कमर्शियल लैपटॉप है, बेसिक इजीली टास्क आप कर सकते हैं, छोटा मोटा गेमिंग कर लीजिए और बाकी फिल्मोरा एडिटिंग जैसे काम छोटे मोटे हो सकते हैं। बाकी रही बात अगर प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग में बढ़िया काम करते हैं, और बिजनेस टाइप के लैपटॉप जो होते हैं ज़्यादातर नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि नेटवर्किंग के लिए परफेक्टली डिज़ाइंड होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, इसको गलत है मत लीजिए कि इसमें सारे गेम चल जाएंगे, सारे गेम नहीं चलते हैं, बेसिकली कुछ पुराने गेम्स इसमें रन होते हैं, छोटे मोटे काम आप बहुत ईजिली कर सकते हैं अगर आप इसे परचेस करते हैं। और किसी का बजट कम है तो उसके लिए ये स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट लैपटॉप हो सकते हैं, फिर बाद में आप बेचना चाहें तो इतने में तो आपको बिक भी जाएगा वो, तो आप उसे सेल आउट भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाता है। पर अगर आप 5000 रुपये में, 10000 रुपये, 12000 रुपये अगर सिस्टम खरीदेंगे तो उसमें बहुत बड़े कोई साइबर पंक जैसे गेम नहीं चलेंगे, उसमें बेसिक गेम ही आपके रन होंगे, छोटा मोटा आप थोड़ा सा रैम बढ़ा सकते हैं, उसमें अगर आप ग्राफिक कार्ड थोड़ा अच्छा लगा लेते हैं परफॉर्मेंस आपको ठीक मिल जाएगी, नॉर्मल सिस्टम के मुकाबले ये आपको बजट में बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा Q&A सेशन जिसमें हमने आज पीसी बिल्ड के ऊपर और स्नैप इंड के ऊपर बात करी। अगर आपके इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हैं पीसी बिल्ड पे, स्नैप इंड पे, लोन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर एंड बाय।